हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशनी परमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही एक्साइटिंग और मज़ेदार टॉपिक के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट इवेंट्स को कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, ये इवेंट्स बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आते हैं। हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हमारी टीम के साथ मिलके हम टीम वर्क करते हैं और साथ ही आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन इवेंट्स को आप कितना यादगार बना देंगे। चाहे आप एक फेस टू फेस इवेंट प्लान कर रहे हैं और चाहे उसे वर्चुअली प्लान कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि ये इवेंट्स बिना तकलीफ के बड़े ही स्मूथली रन हो सकें। आपके लिए ये सब बहुत आसान बनाने के लिए हमने दो चेकलिस्ट प्रिपेयर की हैं, एक फेस टू फेस इवेंट्स के लिए और दूसरी वर्चुअल इवेंट्स के लिए। इन चेकलिस्ट की मदद से आप अपने इवेंट्स को बहुत आराम से कर पाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इवेंट्स के बारे में। ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट्स करना बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि हम एक ही समय पे इंडिया के सारे हिस्सों में से लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों तक एक ही समय पे पहुंचा सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी टीम और आपके गेस्ट्स का जो शेड्यूल है वो हम एक ही समय में बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग अपने घर के आराम में, अपने घर के कंफर्ट से ये मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। और इसको आसान बनाने के लिए आज मैं आपको अपने ही एक इवेंट का एग्जाम्पल दूंगी। सोशल मीडिया और वेबिनार प्लेटफॉर्म का चुनाव आप और आपकी टीम की सहूलियत पर निर्भर करता है। आप ये देखिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, Zoom या Teams किस प्लेटफॉर्म पर आपको ज़्यादा आसानी हो रही है। तो अब हम ये सब कैसे प्लान करेंगे? मैं अपने टीम के साथ डिस्कशन किया और मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन सा टाइम है और कौन सी डेट है जो उन्हें बेस्ट सूटेबल लगेगी और हम सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि 2 हफ्ते बाद शुक्रवार का दिन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमने ये निर्णय लिया कि 2:45 का समय सबसे बेहतरीन रहेगा जब लोग अपने दिन भर के काम खत्म कर चुके होंगे और डिनर की तैयारी में अभी भी बहुत सारा समय बाकी होगा। हमने ये भी निश्चय किया कि हम इस इवेंट को फेसबुक पे चलाएंगे ताकि बहुत सारे लोग हमें इजीली ज्वाइन कर सकें। इसके बाद हमें चुनना होता है एक सही थीम और डिसाइड करना होता है कि हमारा एजेंडा क्या होगा। सो हम इसे कैसे करेंगे? हमारे आने वाले इवेंट में हमारा मेन फोकस होगा स्किन केयर और हमारी थीम होगी हेल्दी लुकिंग स्किन। हम बात करेंगे फाइन लाइंस और ब्रेकआउट्स के बारे में और प्रमोट करेंगे अपने नोवेज प्रोडक्ट्स को। साथ ही हम 2 टेस्टिमोनियल्स भी करवाएंगे और हम रिकग्नाइज करेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने लास्ट मंथ बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। साथ ही हमारे टॉप 3 बेस्ट स्किन केयर सेट सेलर्स को भी हम इस प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइज करेंगे। इसी के साथ हम लोग एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चलाने वाले हैं जिसमें हम एक छोटा सा क्विज करेंगे। इस क्विज के आधार पे लोग हमें जवाब दे सकते हैं। जो हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देगा हम उसे देंगे 1 टेंडर केयर लिप बाम। अब हम गोल सेट कर लेते हैं इस इवेंट के लिए। इसके लिए हमें टीम्स को ये बताना पड़ेगा कि ये गोल्स हैं क्या। मेरी टीम का लक्ष्य ये रहेगा कि वो इस इवेंट में कम से कम 15 लोगों को इनवाइट करें, उसमें से कम 5 गेस्ट तो आने ही चाहिए और उसमें से 1 रिक्रूट तो मिलना ही चाहिए, कम से कम 1 ऑर्डर तो ज़रूर आना चाहिए। हमें सारी टीम में ये टास्क बांटने हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि हर कोर टीम मेंबर के पास एक टास्क हो, एक रोल हो जो उसे पूरा करना है। जब हम ये करेंगे तो हम देखेंगे कि लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं। इस समय मेरे पास मेरी कोर टीम में 4 मेंबर्स हैं और मैं उन सभी में ये टास्क बांटने वाली हूँ। इन टास्क को बांटते समय मैं उनके स्किल्स का भी ध्यान रखूँगी। सबसे पहले मैं टास्क दूँगी छाया को। उनका टास्क होगा क्वेश्चंस तैयार करना, वो सवाल तैयार करेंगे हमारे स्किन केयर क्विज के लिए। इसके बाद जब आती है क्रिएटिविटी की बारी, जब आती है विजुअल इफेक्ट्स की बारी, तो करिश्मा इसमें बहुत स्किल्ड हैं तो उन्हें मैं टास्क दूंगी एक इनविटेशन टेम्पलेट तैयार करने का और ये इनविटेशन टेम्पलेट सभी के द्वारा लोगों में बांटा जाएगा। इसके बाद मैं पूजा को टास्क दूंगी टेस्टमनी तैयार करने का और साथ ही मेरी टीम मेंबर अंजलि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी। जब चैट बॉक्स में कोई भी तरह के सवाल आएंगे तो उनका जवाब देने का काम उसी का होगा। अब आपको एक इवेंट क्रिएट करना है। ये आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, जूम पे भी कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपके इवेंट का प्रमोशन ज़बरदस्त हो तो एक सही विजुअल और साथ में उचित टेक्स्ट उसमें होना चाहिए। तो ये वो है जो मैंने तैयार किया है। क्या आपका स्किन रूखा सूखा बेजान है? क्या इसमें कोई ग्लो नहीं है? क्या एक्ने और ब्रेकआउट्स फाइन लाइंस आपको इस दुनिया से छुपने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तो आइए कहिए नो टू ऑल योर स्किन प्रॉब्लम्स। तो जुड़िए हमारे इस सफर में ये जानने के लिए कि आपको क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, डेली बेसिस पर आपको ऐसा क्या लगाना चाहिए ताकि आप एक खूबसूरत स्किन के मालिक बन सकें। हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने ब्रेकआउट्स, अपने फाइन लाइंस से डील कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो आइए, क्योंकि आपको चांस मिल सकता है कुछ फ्री सैंपल्स और प्रोडक्ट गिवअवेज जीतने का। इस इवेंट में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। समय आ गया है लोगों को बुलाने का, तो आपको इनविटेशन भेजने हैं और कंफर्म करनी है अटेंडेंस। आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी टीम में से हर एक व्यक्ति ये इनविटेशंस भेजे। जब आप ये इनविटेशंस भेज रहे हों तो ये ध्यान रखिए कि आपको इस मीटिंग के स्पेशल अट्रैक्शंस के बारे में ज़रूर बताना है, जो कि हैं हमारे स्पेशल गिव अवेज। हम कभी भी लोगों को एक साथ इनवाइट नहीं करते, हम मेक श्योर करते हैं कि हर इनविटेशन बहुत ही पर्सनली हर एक व्यक्ति के पास जाए। हम हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली इनवाइट करते हैं और हम उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकरेज करते हैं इवेंट में आने के लिए, ये कहकर कि हम चाहते हैं आप इस इवेंट का हिस्सा ज़रूर बने, ज़रूर आने की कोशिश कीजिएगा। हम ये भी चाहते हैं कि आपको मौका मिले इन स्पेशल गिवअवेज को लेने का। हमें ये भी निश्चित करना ज़रूरी है कि वो कल आएंगे, और इसके लिए हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कल आ पाएंगे, और उन्हें ऑप्शन भी दीजिए कि वो अपने फ्रेंड को इस इवेंट के लिए इनवाइट करें। तैयार कीजिए इवेंट के प्लेटफॉर्म को, खुद को और रूम को। कुछ चीज़ें मैं हमेशा याद रखती हूँ, मेरी स्क्रिप्ट, मुझे कब और कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, और उसके साथ साथ मेरी स्टोरी। मैं ये भी याद रखती हूँ कि मीटिंग का एजेंडा क्या है और मुझे इस मीटिंग में किन लोगों को रिकग्नाइज करना है, उनके नाम मैं पहले से ही लिख कर रख लेती हूँ। आपको जिन भी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है उन्हें पहले से रेडी करके रख लीजिए। मैं अपने लिए नोवेज सेट को पहले से तैयार करके रखूँगी। नोवेज क्रीम जो इस कैटलॉग में है वो मेरे पास पहले से होगी। जो स्पॉन्सर गिफ्ट इस महीने आया है वो भी मैंने पहले से तैयार कर लिया है। साथ ही मेरे पास इस मंथ का कैटलॉग और इस मंथ के स्पॉन्सर गिफ्ट के फ्लायर्स रेडी हैं। आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि इवेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब गेस्ट आ रहे हों आप उन्हें पर्सनली वेलकम कीजिए। ये निश्चित कर लीजिए कि आप ही की तरह आपकी टीम भी अपने गेस्ट का स्वागत कर रही है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, आप सभी का स्वागत है, हम एक मिनट के लिए और इंतज़ार करेंगे ताकि बाकी सब हमें ज्वाइन कर लें। और उनमें से कुछ से बातचीत आगे बढ़ाते हुए बोलती हूँ, हाय मीनल, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस इवेंट को ज्वाइन कर पाए। हाय गुंजन, मुझे पूरी उम्मीद थी आप इस इवेंट को ज़रूर ज्वाइन करें। प्रेजेंटेशन चलाइए और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, फेसबुक पर जो भी वर्चुअल मीटिंग होती हैं ये आपकी कहानियों के बारे में है और आपके वैल्यूबल कंटेंट के बारे में। इन मीटिंग्स में स्लाइड्स की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ इस बारे में है कि आपने जो भी चीज़ें प्रॉमिस की थी अपने इनविटेशन में उन सभी को आप डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। याद रखिए कि लोगों को याद दिलाते रहना है कि उनके लिए गिव अवेज रेडी हैं। इंटरैक्ट कीजिए, क्योंकि यही एक मेन डिफरेंस है वर्चुअल मीटिंग्स में और फेस टू फेस मीटिंग्स में। और अपनी टीम को भी तैयार रखिए लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए, उन्हें चीयर अप करने के लिए, उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। तो कुछ चीज़ों के रिमाइंडर्स हमें लिखना ज़रूरी है, जैसे कि हम क्या क्या स्टोरीज बताएंगे, क्या क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हमें लोगों को याद दिलाते रहना है कि गिव अवेज उनके लिए रेडी है। साथ ही हमें क्विज के बारे में भी लिखना है, हमें लोगों को इंगेज रखना है उनसे सवाल पूछ के। फॉर एग्जाम्पल, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम किसे है, चैट बॉक्स में लिख भेजिए, या फिर पूजा आपका टेस्टिमोनियल बहुत ही बढ़िया था, चलिए हम सब मिलके इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन को अंत करते समय एक अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें करंट मंथ ऑफर्स के बारे में बताएंगे, ऑनगोइंग प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, उन्हें ये भी बताएंगे कि उन्हें अटेंड करने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम रेडी है जो उन्हें इंडिविजुअली उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। मैं उन्हें ये बताना नहीं भूलती कि हमारे पास फ्री शिपिंग का ऑप्शन है।
इसी के साथ साथ हमारे कुछ टाइम लिमिटेड ऑफर्स हैं जो कि सिर्फ इसी कैटलॉग में अवेलेबल होंगे। हम उनसे ये भी कहते हैं कि अगर आप इसका पूरी तरह बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो जिसने भी आपको इस कैटलॉग लॉन्च में इनवाइट किया है आप उनके पास जाइए और ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने के बारे में जानकारी पाइए। आप उनसे अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपने कस्टमर्स और प्रॉस्पेक्ट्स को ये ज़रूर बताइए कि उन्हें एक फ़ोन कॉल आएगा या टेक्स्ट मैसेज आएगा हमारी टीम मेंबर्स की तरफ से उन्हें ये बताने के लिए कि इनरोलमेंट किस तरह किया जाता है और उनके बाकी सवालों के जवाब देने के लिए। अपने सभी गेस्ट्स को अलग से कॉन्टैक्ट कीजिए। यहीं पर हमारी एक्चुअल सेल्स और रिक्रूटमेंट की शुरुआत होती है। कुछ बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उनसे ऑर्डर्स लेना, सेकेंड उनसे रिक्रूटमेंट के लिए बात करना, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उन्हें समझाना, उनसे ये फीडबैक लेना कि आपका इवेंट उन्हें कैसा लगा और अगली मीटिंग उनके साथ प्लान करना। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि क्या आपके कुछ सवाल हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इनरोलमेंट प्रोसेस में हेल्प करूं, क्या आज प्रेजेंट किए हुए किसी भी चीज़ को आप अपने लिए ऑर्डर करना चाहेंगे। हम अगले हफ्ते क्यों नहीं मिलते, हम अगले हफ्ते मिलकर ओरिफ्लेम स्किन केयर के बारे में और भी बातें कर सकते हैं और मैं आपको ओरिफ्लेम ज्वाइन करने की प्रोसेस भी समझा सकती हूँ। और अब समय आ गया है इवेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से को कवर करने का। जी हाँ, इस इवेंट के बाद में क्या होने वाला है। अपने टीम मेंबर्स और उनके गेस्ट के साथ फॉलो अप कीजिए। इवेंट के तुरंत बाद धन्यवाद दीजिए उन सभी का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप कॉन्टैक्ट कीजिए लोगों से और उन्हें पूछिए कि उन्हें इस इवेंट के बारे में क्या कोई सवाल हैं, क्या वो कोई कमेंट्स देना चाहते हैं। ये एक्टिविटी हम अपने टीम मेंबर्स और गेस्ट दोनों के साथ करेंगे। हिम्मत मत हारिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मीटिंग ने रिजल्ट्स नहीं दिए हैं तो रुक जाइए। जो लोग आज रेडी नहीं हैं ज्वाइन करने के लिए या कोई प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, अगर आप उनसे कंटिन्यूस इंटरेक्शन करते रहेंगे, बार बार उनसे मिलते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे आपको और आपके प्रोडक्ट्स को समझने लगेंगे और आपको अच्छी तरह जवाब देने लगेंगे। वर्चुअल इवेंट्स की ये खूबसूरती है कि आप हमेशा अपने लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, उनसे टच में रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो याद रखिए कि आपके पास कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई, सेकेंड आपकी लाइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड कोशिश कीजिए कि बिल्कुल प्लेन हो ताकि देखने वाले जब आप प्रेजेंट कर रहे हों तो उन्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपके फ़ोन की पोजीशन सही तरीके से हो ताकि आपका चेहरा लोगों को ठीक तरह से दिखाई दे। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स या फ्लायर्स दिखाना चाह रहे हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पास कुछ स्पेस छूटी है इन्हें डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। हमने एक और चेकलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की है जिसमें इस तरह के ऑफलाइन फेस टू फेस मिलने वाले इवेंट्स में आप और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं। फेस टू फेस रिक्रूटमेंट इवेंट्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट एंड ट्राई करवा सकते हैं। जब आप लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं तो ये इंटरेक्शंस में ज़्यादा भरोसा कायम होता है। यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस भी बहुत कम होते हैं ताकि आप ज़्यादा देर तक लोगों का ध्यान अपनी तरफ बना के रख सकें। फेस टू फेस इवेंट्स और वर्चुअल इवेंट्स दोनों के ही अपने कुछ फ़ायदे हैं। अगर आपको अपने रिजल्ट्स बढ़ाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाना है, अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है, तो दोनों ही अपने नेटवर्क में करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। ध्यान रखिए कि ट्रेनिंग के पहले आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इनवाइट कीजिए, उन्हें मीटिंग का एजेंडा समझाइए और उनके टास्क उन्हें असाइन कर दीजिए। कोशिश कीजिए मीटिंग के दौरान आप कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, लोगों से बातचीत बनाए रखें, उन्हें एंगेज करें और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कीजिए ताकि आप अपनी ऑडियंस को अगला कदम लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। अपने इवेंट के ख़त्म होने के बाद लोगों से फॉलो अप करना ना भूलें। आपको उनसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, उनसे फीडबैक लेना है और साथ में उनके कमेंट्स भी पूछने हैं। ये मदद करेगा आपको उनसे जुड़े रहने में और साथ ही आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपने फ्यूचर में आगे होने वाले इवेंट्स को। तो अब इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी टीम को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके साथ तैयारी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट की। थैंक यू।